जय हिंद दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि एटीएम कार्ड कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा कार्ड ज़्यादा फायदेमंद है। जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके पास एटीएम कार्ड होगा, हर व्यक्ति के पास रहता है, शायद ही किसी व्यक्ति के पास नहीं है जिसके पास खाता है तो एटीएम कार्ड है। तो जब एटीएम कार्ड जो आप लेते हैं, ये जो एटीएम कार्ड आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर नीचे में जैसे ये रुपए लिखा हुआ है, तो ये रुपए लिखा रहता है, या फिर किसी किसी का मास्टर कार्ड होता है, या फिर किसी किसी का वीजा कार्ड भी होता है, वीजा भी लिखा रहता है। तो खास तौर पर इंडिया में तीन ही प्रकार के कार्ड जारी किए जाते हैं, या तो वीजा कार्ड, या मास्टर कार्ड, या फिर रुपए कार्ड। लेकिन अभी आम तौर पर भारत में सिर्फ और सिर्फ रुपए कार्ड जारी किया जा रहा है, लगातार रुपए कार्ड जारी किया जा रहा है। डिमांड पे, आपके डिमांड पर ही मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड दिया जाता है, नहीं तो लगातार रुपए कार्ड दिया जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि रुपए कार्ड का फायदा क्या है, रुपए कार्ड का फायदा क्या है, और रुपए जो पूर्ण रूप से इंडियन है, पूर्ण रूप से भारतीय है, रुपए कार्ड इशू करने का क्यों आवश्यकता पड़ी सरकार को, ये सारी जानकारी दूंगा। और रुपए कार्ड के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं, वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड के जितने फायदे नहीं है उससे कई गुना ज़्यादा आपको रुपए कार्ड से फायदे हैं। तो ये सारी जानकारी दूंगा, विस्तार से बताऊंगा, पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके नीचे लाइक का बटन है, आप लाइक कर दें। और मन में कोई सवाल प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उस टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका किसी भी बैंक में खाता है, चाहे स्टेट बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, HDFC बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, ICICI बैंक हो, कोई भी बैंक हो, इंडियन बैंक हो, किसी भी प्रकार का बैंक हो, तो आप जब खाता खुलवाते हैं वहाँ पर, अभी खास तौर पर नया खाता जब खुलवाएंगे तो आपको रुपए कार्ड ही दिया जाता है। खास तौर पर जनधन खाता खुलता है तो उसमें रुपए ही इशू किया जाता है, लेकिन अभी नॉर्मली जनरल खाता पर भी रुपए कार्ड इशू किया जाता है। तो रुपए जो है पूर्ण रूप से इंडियन है। जैसे मैं आपको बता दूं कि वीजा और मास्टर कार्ड जो इशू किया जाता है, ये विदेशी कंपनी थी, ये दोनों विदेशी कंपनी है। और इससे होता क्या है, आपको बता रहा हूँ कि आपका जो बैंक है और ATM है, बैंक और ATM, मतलब फर्स्ट पार्टी होता है बैंक, सेकेंड पार्टी ATM होता है, और थर्ड पार्टी होता है जो ये जिसको गेटवे बोला जाता है, वीजा मास्टर कार्ड या रुपए जो भी मान लीजिए, ये थर्ड पार्टी होता है बीच का, ये इसे गेटवे माना जाता है, मतलब एक माध्यम है। तो तीन पार्टी मिलकर ये काम करता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि आप जैसे बैंक में खाता में पैसा डालते हैं तो ATM से पैसा आप निकालते होंगे जाके, तो जरूरी नहीं कि उसी बैंक के ATM से पैसा निकालते हैं। आपका स्टेट बैंक में खाता है तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ATM से भी पैसा निकाल सकते हैं, HDFC के ATM से भी पैसा निकाल सकते हैं, किसी भी ATM से पैसा आप निकाल लेते हैं। लेकिन निकलता कैसे, बस सीधा सा समझ लीजिए आप, होता क्या है कि जो बैंक है कोई भी बैंक है, वो टाई अप किया रहता है, चाहे वीजा से, चाहे मास्टर कार्ड से, या फिर रुपए से, तो उसका टाई अप रहता है। होता क्या है, ATM चलाने वाली दूसरी पार्टी होती है, वो अलग पार्टी है, और ये जो कार्ड इशू करता है वो अलग पार्टी है, वो अलग है, और बैंक है बिल्कुल अलग है। तो ये जो वीजा मास्टर कार्ड या रुपए है, तो ये कमीशन पे काम करती है, मतलब कि अब जितना ट्रांजेक्शन होता है, जिस हिसाब से ट्रांजेक्शन होता है उस हिसाब से उसे कमीशन मिलता है। तो आप किसी भी ATM से पैसा निकाल सकते हैं, कार्ड जारी किया जाता है, आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं और किसी भी ATM से पैसा निकल जाता है, उसके बदले बीच में जो कार्ड जारी करता है, चाहे रुपए हो, चाहे मास्टर कार्ड हो, या फिर वीजा हो, इन्हें इसके बदले कमीशन मिलता है। तो वीजा और मास्टर कार्ड जो है विदेशी कंपनी है, तो विदेशी कंपनी, तो यहाँ से काफ़ी पैसा, बहुत सारा पैसा जो बैंक की तरफ से कमीशन के रूप में उसे मिलता था, तो विदेशी फंड में जाता था, मतलब विदेशी कंपनी से फ़ायदा उठाती थी और विदेशी कंपनी को फ़ायदा होता था। हुआ क्या कि अब भारत सरकार कुछ साल पहले खुद का एक गेटवे बना दिया, जैसे कि रुपए कार्ड जारी करने लगा। रुपए जो है वो पूर्ण रूप से इंडियन है, स्वदेशी है, ये बिल्कुल स्वदेशी है। अब इसका फायदा मैं आपको बता दूं कि रुपए कार्ड आपको मिल रहा है तो इससे फायदा क्या है और नुकसान क्या है, दोनों बता देता हूँ। तो फायदा ये है आपको कि रुपए कार्ड जो है, इससे अगर यूज करते हैं, इसको इससे पैसा निकालते हैं, तो इसका जो कमीशन होता है, इससे जो फायदा होता है उस कंपनी को, वो भारत में ही रह जाता है, ये स्वदेशी है, भारत के ही कंपनी को फायदा होता है। दूसरा क्या है कि रुपए कार्ड जो है ये डोमेस्टिक कार्ड है, ये रुपए कार्ड जो आपको दिखा रहा हूँ, ये रुपए जो सिंपल रुपए लिखा हुआ है यहाँ पे, ये डोमेस्टिक कार्ड है। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, मतलब कि इस कार्ड से सिर्फ इंडिया में ही कहीं पैसा निकाल सकते हैं, इंडिया के किसी भी ATM से, किसी बैंक के ATM से, और किसी भी स्टेट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप पैसा निकाल सकते हैं, इंडिया से बाहर इस कार्ड से पैसा नहीं निकाल सकते हैं।
तो ये नुकसान भी है एक तरह से। अगर आप बैंक में दोबारा आवेदन करके जब आपको रुपे कार्ड जारी हो जाता है तो कुछ दिन यूज कर लीजिए और उसके बाद बैंक में दोबारा आवेदन कीजिए कि मुझे दूसरा कार्ड चाहिए, तो रुपे का प्लेटिनियम कार्ड ले लेते हैं, रुपए का प्लेटिनियम कार्ड ले लेते हैं, तो वो इंटरनेशनल होता है, उससे वर्ल्ड में कहीं भी पैसा निकाला जा सकता है, किसी भी देश में उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन सिंपल रुपए है तो वो आप दूसरे देश में उस कार्ड से पैसा नहीं निकाल सकते हैं, ना ही ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ना ही ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ तक कि छोटा देश है नेपाल भूटान, यहाँ भी जाते हैं तो आप उस कार्ड को नहीं यूज कर सकते हैं रुपए को। रुपए प्लेटिनियम है तो फिर इंटरनेशनल लेवल पर कहीं भी खरीदारी कर सकते हैं या फिर पैसा निकाल सकते हैं। दूसरा फायदा मैं आपको बता दूं कि रुपए का रुपए कार्ड जो आपके पास है किसी भी बैंक का, तो वो पेट्रोल पंप, हर पेट्रोल पंप से टाई अप, पेट्रोलियम कंपनी है उससे टाई अप है, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, HP हो गया, रिलायंस हो गया, इस तरह की जितनी भी सारी कंपनियां हैं उससे इसका टाई अप है। वहां अगर पेट्रोल आप लेते हैं, अपने बाइक के लिए पेट्रोल लेते हैं, कार के लिए लेते हैं, ट्रक के लिए लेते हैं, किसी भी प्रकार से पेट्रोल खरीदते हैं, डीजल खरीदते हैं, कार्ड को स्वाइप करके पेमेंट करते हैं, कार्ड से पेमेंट करते हैं किसी भी प्रकार से, तो उस पर आपको 1% का बेनिफिट दिया जाता है, मतलब कैशबैक दिया जाता है। वो कैशबैक कैसे मिलेगा, जैसे कि आपने पेट्रोल लिया, पैसा दिया, और वो 1% जो कैशबैक है वो सीधा आपके अकाउंट में चला जाएगा, सीधा आपके खाते में चला जाएगा, जिस खाते से ATM जारी हुआ है आपका, जिस खाते का ये कार्ड है। तो ये आपको फायदा है, बस सीधा समझ लीजिए कि 10,000 का पेट्रोल लेते हैं आप तो 1% मतलब 100 रुपया आपके खाते में कैशबैक चला जाएगा। अगर 1,000 रुपये का पेट्रोल लेते हैं तो 10 रुपया आपके खाते में सीधा चला जाएगा। तो ये भी फायदा उठाया जा सकता है। जैसे ट्रक में, ट्रक का जो ड्राइवर होता है जो लंबी यात्रा पे निकलते हैं, तो ट्रक बस में काफ़ी मात्रा में तेल डाला जाता है, काफ़ी मात्रा में पेट्रोल डाला जाता है, बहुत अच्छे क्वांटिटी में डाला जाता है, तो उसमें क्या है कि 10,000-5,000 का वो लोग पेट्रोल लेते हैं तो उन्हें काफ़ी फायदा होगा। लेकिन बाइक में भी ले रहे हैं, अगर आप कार में भी ले रहे हैं तो आप थोड़ा भी ले रहे हैं, थोड़ा बहुत भी ले रहे हैं, 2 लीटर 4 लीटर 5 लीटर, फिर भी यूज कर सकते हैं इस कार्ड का। और एक और फायदा बता दूँ आपको रुपए कार्ड का, कि रुपए कार्ड जिस दिन आपको जारी होता है, रुपए ATM कार्ड आपको जिस दिन जारी किया जाता है, चाहे वो किसी भी बैंक का हो, उसी दिन से आपका 2,00,000 रुपये का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो जाता है। आपने खाता खुलवाया होगा तो उसमें किसी नॉमिनी का नाम जरूर दिया होगा, नॉमिनी का ऑप्शन होता है, चाहे अपनी वाइफ को हो, भाई को हो, बच्चा को हो, किसी को भी आपने नॉमिनी जरूर बनाया होगा। तो होता क्या है कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कार्ड पे हो जाता है, मतलब किसी कारणवश एक्सीडेंट से, किसी भी हादसा से उस खातेधारक की मृत्यु हो जाती है, जिसके नाम से खाता है, जिसके नाम से अकाउंट है और जिसके नाम से रुपए कार्ड जारी किया गया है, तो उसके नॉमिनी को, उसके नॉमिनी 2,00,000 रुपया का क्लेम कर सकते हैं इंश्योरेंस के लिए, और बैंक को 2,00,000 रुपया देना होगा, क्योंकि 2,00,000 रुपया का इंश्योरेंस उस पर रहता ही रहता है। तो रुपए कार्ड स्वदेशी है और सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है कि इस पर 2,00,000 रुपया का इंश्योरेंस हर कार्ड पे इशू किया जाए, दिया जाए और दिया भी जा रहा है। हालांकि ये बात बैंक कभी भी नहीं बताती है कि आपके कार्ड पे इंश्योरेंस भी होता है, ATM कार्ड पे इंश्योरेंस भी रहता है, इसलिए नहीं बताता है क्योंकि हर व्यक्ति को अभी कार्ड जारी किया जा रहा है, किनको वो बताते चलेंगे। लेकिन ये रूल है, ये नियम है, ये कानून है और सबको पता रहना चाहिए। तो आपको मैं बता देता हूँ कि 2,00,000 रुपये का रुपए कार्ड पे इंश्योरेंस रहता है। हालांकि वीजा और मास्टर कार्ड है उसमें भी 2,00,000 रुपये से 5,00,000 रुपये तक इंश्योरेंस रहता है, लेकिन सभी का कंडीशन अलग अलग है। जैसे रुपए कार्ड है, रुपए कार्ड पर एक साल में अगर एक बार भी आपने ट्रांजेक्शन किया है उस कार्ड से एक बार भी ट्रांजेक्शन किया है, मतलब पैसा डाला है आपने या निकाला है या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया है कार्ड के द्वारा, तो उस खाताधारक का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट का मतलब रोड एक्सीडेंट हो गया, किसी प्रकार का हादसा हो गया या फिर कोई भी हादसा होना चाहिए, एक्सीडेंटल होना चाहिए, दुर्घटना होना चाहिए, उसमें अगर डेथ हो जाता है तो उसे 2,00,000 रुपये उसके नॉमिनी को दिया जाता है। लेकिन वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड जो है उसके नियम कुछ अलग है। उसमें क्या है कि महीने में एक बार ट्रांजेक्शन होना चाहिए तभी उसका क्लेम आपको मिल पाएगा, लेकिन रुपए में कुछ अलग नियम। तो अगर आप विदेश यात्रा करते रहते हैं या विदेश यात्रा करने का इरादा है, आपके पास रुपए कार्ड है और आप चाहते हैं कि वहाँ पैसा निकाले, तो आप दोबारा अप्लाई करके रुपए प्लेटिनियम कार्ड ले लें, तो ये इंटरनेशनल लेवल पर कहीं भी निकाल सकते हैं पैसा और फायदा आपको उतना ही मिलेगा जितना आपको रुपए कार्ड पे मिलने वाला है। लेकिन सिर्फ रुपए कार्ड है, सिंपल रुपए कार्ड है, तो डोमेस्टिक आप पूरे इंडिया में ही पैसा निकाल सकते हैं, ये जानकारी आपके पास होना चाहिए। तो अगर आप रुपए कार्ड यूज करना चाहते हैं, पहले से वीजा कार्ड है या फिर आपके पास मास्टर कार्ड है, आप चाहते हैं कि रुपए कार्ड ले लें, अगर आप चाहते हैं रुपए कार्ड ले लें तो सबका वैलिडिटी होता है, आप देखते होंगे सभी कार्ड पे वैलिडिटी होता है, इस पर एक वैलिडिटी होता है, तो वैलिडिटी जब ख़त्म हो जाएगा
वैलिडिटी जब खत्म हो जाएगा, दोबारा कार्ड जब इशू करेंगे तो आप रुपए के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रुपए प्लेटिनियम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल रुपए कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दोबारा कर सकते हैं, या फिर आपके कार्ड का वैलिडिटी बचा भी हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं दोबारा रुपए कार्ड लेने के लिए। लेकिन आप अगर पहले से वीजा यूज कर रहे हैं, मास्टर कार्ड यूज कर रहे हैं, आपको वही बेहतर लग रहा है तो इसमें कोई प्रेशर नहीं है। मैंने आपको फायदा बताया, आपको जानकारी इस चीज़ का होना चाहिए क्योंकि ये स्वदेशी कार्ड है, अपने इंडियन कार्ड है। दोस्तों इसी प्रकार की जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात रखें, अपना सवाल रखें, बात रखें। इसी प्रकार की नई वीडियो बनाता रहूँगा, जो भी सवाल आप लिखेंगे उस टॉपिक पर वीडियो इसी प्रकार से बनाता रहूँगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, अगर सब्सक्राइब आपने कर रखा है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, टॉपिक आप ही का होगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।